الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء إلى المرسلين رحمة للعالمين شفيع المرسلين راحة العاشقين مراد المشتاقين رحمة للعالمين شفيع المرسلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيدتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي قد ركني يا رسول الله معزز حاضرين سامعین و ناظرین ہمارے اس ہفتہ وار درس قرآن و حدیث کے سلسلے میں قرآن مجید میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو جس دل نشین انداز سے خطاب فرمایا گیا ان آیات طیبات میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے ان آیات طیبات کو اس محفل میں درس کے لیے منتخب کیا گیا اور اس سلسلے میں کچھ آیات طیبات کے سلسلے میں گزارشات پیش کی گئی آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے شروع ہوتی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا صرف حاصل کیا ترجمہ سماعت فرمائیے میں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے نبی کے غلاموں اے نبی کے چاہنے والوں اے نبی کے وفاداروں ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ
वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, उसके पीछे पीछे मत चलो। क्यों? इसलिए कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये इस आयत मुकद्दसा का आखिरी लफ्ज़ तक है। यकीनन ये बात तो अच्छी तरह आपके ज़हन नशीन हो चुकी होगी कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम बेऐब और हर किस्म के नक्श से पाक है, और ये मरबूत है, इसका आपस में रब्त है, जोड़ और ताल्लुक है। कलाम का बेजोड़ हो जाना, बेताल्लुक हो जाना, बेरब्त हो जाना, ये कलाम का नक्श और खामी होती है। और अल्लाह का कलाम हर किस्म की खामी नक्श ऐब से पाक है। तो अब सूरह बकरा की आयत नंबर 208, इससे पहले देखिए क्या बात चल रही है, और फिर इसके बाद आने वाली आयत में क्या इरशाद हुआ, सियाक को सवाल। तो सबसे पहले रब्त आयात, इससे पहले वाली आयतों में परवरदिगार आलम ने क्या इरशाद फरमाया, क्या जिक्र चल रहा है, और अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, इसका आपस में रब्त का ताल्लुक और जोड़ क्या है। इससे ऊपर परवरदिगार आलम ने दो तरह के इंसानों का जिक्र किया, आप अच्छी तरह ये समझ गए कि जब दर्स कुरान में होता है तो उसका अंदाज और होता है, और किस सियाक व सबाक में आयात में, फिर उनका शान नुज़ूल, फिर उनका मफहूम। तो सबसे पहले ये अर्ज कर रहा हूं कि इस आयत मुकद्दसा से पहले दो किस्म के लोगों का जिक्र हुआ। एक वो है जिनको परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वामिन अन्नास मन युजिबुक क़ौलुहु फिल हयाति दुनिया व यशहदु अल्लाह अला मा फी क़ल्बी व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। लोगों में से कुछ वो है, मैं जो जब का बली मालूम होती है तुम्हें कौल हो उनकी बात, फिर हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी के बारे में, वयुशुदुल्लाह अला मा फी कल्बी, और वो जो कुछ उनके दिल में है उस पर अल्लाह को गवाह बनाते हैं। लोगों में से कुछ लोग वो हैं, दुनियावी जिंदगी के बारे में उनकी गुफ्तगू बड़े खुशनुमा है, बड़ी दिलकश है, बड़ी पुरफरेब है, वो बड़े चर्ब जुबान है, बड़े चालाक हैं, आसान लफ्ज कह दो जो आप बोलते रहते हैं, डबल फेस है, और जो कुछ वो कहते हैं उस पर कहते हैं, जो हमारे दिल में उस पर हम अल्लाह को गवाह बनाते हैं। हालत है, कुरान कहता है, रब इरशाद फरमाता है, वह हुवा अलद्दुल ख़िसाम, हालांकि वो हक के शदीद तरीन मुखालिफ है, जगड़ालू है, फसादी है, लेकिन बातें इतनी खुशनुमा करते हैं, बातें इतनी दिलकश करते हैं, उनकी गुफ्तगू बड़ी दिलकश है, मगर उनकी दिल की दुनिया तारीख है। हजरत शेख साहब रहमतुल्लाह तआला इसी फरमाया, फरमाया वो ये वो लोग हैं कि जब मौका मिलता है तो ये दीन को दुनिया के बदले बेच देते हैं, दीन के बदले में
दुनिया को इख्तियार करते हैं, दीन को छोड़कर दुनिया के पीछे चलते हैं, लेकिन अपनी चर्ब जुबानी से लोगों को अपनी बात का को कायल करने की कोशिश करते हैं। यहां तक कहते हैं कि हमारे जो दिल में है अल्लाह उस पर गवाह है, और रब फरमाता है हक के मुखालिफ है, फसादी है, झगड़ालू। शेख सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब फरमाया, फरमाया कि दुनिया पर फख्र करते ये दुनिया के बदले दीन बेच देते हैं, सौदा घाटे का खसारे का करते हैं, दीन की बजाय दुनिया इख्तियार करते हैं। हालांकि किस बात पे फख्र करते हैं? दुनिया। फरमाया दुनिया का बेहतरीन मशरूब, दुनिया का बेहतरीन मशरूब जूस, पीने वाली चीज, दुनिया का बेहतरीन मशरूब एक मक्खी का थूक है, शहद। दुनिया का बेहतरीन लिबास एक कीड़े का थूक है, रेशम। फरमा किस बात पे फर्क करते हैं और किस बात को हमें इख्तियार करने की दावत देते हैं? ये दुनिया, अगर इसका हलाल इस्तेमाल करें, हलाल इस्तेमाल करें तो हिसाब देना पड़ेगा, हराम इस्तेमाल करें तो अजाब होगा। इसके हलाल में हिसाब है, हराम में अजाब है। तो ये कितने बदबख्त हैं जो दीन के मुकाबले में दुनिया खरीदते। और फिर उनकी एक और वसूल बयान किया, उनकी निशानी बता दी, फरमाया वाइजा तवल्ला साफिल अर्द लियुफसिद फीहा, जब दुनिया में उन्हें थोड़ा सा इख्तियार मिल जाए ना, पावर मिल जाए, तो क्या करते हैं? साफिल अर्द लियुफसिद फीहा, एकदम जमीन में फसाद फैलाते हैं। वयुहलिकुल हर्स वल नस्ल, और खेतियों को, नस्ल इंसानी को तबाह कर देते हैं। नारा और लगाते हैं, लेकिन अगर कुछ मौका मिल जाए आज की दौर में, आज की दुनिया में, और आज के दिन कुरान मजीद की इस आयत मुकद्दसा को आप देखें, पढ़े, सुने, समाप्त करें, और देखें कौन लोग हैं। आज अपने मुल्क पाकिस्तान में आपने नहीं सुना कोयटा में क्या हुआ? ये वो लोग हैं। फरमा जब इनको मौका मिल जाता है तो खेतियों को बर्बाद करते, नस्ल इंसानी को तबाह करके रखते हैं, फसाद फैलाते हैं। लेकिन याद रखो, रब ने इशारा फरमा दिया, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह फसाद और फसादियों को पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह फसाद को पसंद नहीं फरमाता। और फरमा, जब उन्हें कहा जाता है ना, दावा मुसलमानी का करते हो और नस्ल इंसानी को तबाह करते हो, अपनी शक्ल देखो, अपनी दाढ़ी देखो, अपना हुलिया देखो, अपनी गुफ्तगु देखो, अल्लाह से करो क्या कर रहे हो? तो गुरूर, सरकशी, गुरूर उन्हें गुनाह पे उबारता है, उकसाता है, कहता है हम ही हैं जो कुछ हैं, तबाह कर दो इन सब को। रब फरमाता, फहस को जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है, उनके लिए जहन्नम काफी है, वाला बेसल में हाथ, और क्या ही बुरा ठिकाना। ये था एक रुख तस्वीर का, एक रुख ये था कि लोगों में कुछ लोग वो हैं। फरमाया इसके साथ साथ अर्ज किया ना, इंसानी जिंदगी के दो नमूने, दो तरह के लोगों का बयान ऊपर हुआ, एक सुन लिया, दूसरा सुनिए। फरमाया लोगों में से, वामिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, लोगों में से वो भी हैं जिस तरह एक तस्वीर का रुख ये है, इंसानों में, लोगों में कुछ लोग वो भी हैं जो
दुनिया के तमाम साजो सामान को, माल और दौलत को ही नहीं, जान को भी उसके नाम पर कुर्बान कर देते हैं। सरदार की बाजी लगा देते हैं। क्या करते हैं? सरदार की बाजी लगा देते हैं, माल भी खर्च करते हैं, जान भी दे देते हैं। चाहते क्या है? इब्तिला मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की रजा चाहते। या अल्लाह तू राजी हो जा, रजा इलाही के लिए उनका सब कुछ कुर्बान है, माल भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। अल्लाह रब्बल, और उन शख्सियत में से उन लोगों के कायद लीडर और सरबरा शान हुजूर के दरबार से सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला मजमईन बिलखुसूस हुजूर मौला कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, जो हिजरत की रात बिस्तरे नबी पे जान की बाजी लगा के जब बाहर 80 आंखें 40 जवान तलवारें लेकर देख रहे हैं, उस वक्त बिस्तरे नबी पर अली अपनी जान कुर्बान करके जब सोए हुए हैं, रब ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, वा मिन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। लोगों में से कोई वो भी है जो अपनी जान बेच देता है, किस लिए? इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा माती है, मेरा जी चाहता है, मेरा कभी कभी दिल चाहता है मैं जन्नत को आग लगा दूं, जहन्नम को बुझा दूं। क्यों? फरमा ना कोई जहन्नम के डर से इबादत करे, ना जन्नत के लालच से इबादत करे, तो फिर क्यों इबादत करे? इसलिए कि है ही इबादत के लायक। इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या हुक्म फरमा गए कि सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की, सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। ऐ बुलहवस, जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। ऐ बुलहवस, जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। दर दोजख दा बदकारन, चा जन्नत नेको कारन। पर जरा कहती नबी दिया जुल्फा दा जन्नत तो दोजख की जान, जन्नत तो दोजख को यार अब क्या करूं, जन्नत तो दोजख को यार अब क्या करूं, इल्तिजा है मैं तुझे देखा करूं। वमिन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। अल्लाह लोगों पे बड़ा रऊफ है, मेहरबान है। और ये दो तरह के लोगों का जिक्र है, एक फसादियों का, एक अल्लाह के रजा चाहते हुए सरदार की बाजी लगाने वालों का। तो अब फरमाया तुम्हें कौन सा रास्ता चूज करना है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा। ईमान इखलास का तकाजा ये है। ऊपर दो लोगों का जिक्र हुआ, आसान लफ्जों में अगर बताना चाहें तो एक ग्रोह है मुनाफिकीन का, एक ग्रोह है मुखलिसीन का। फरमाया नबी का कलिमा पढ़ने वालों, जब अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिया है, महबूब का कलिमा पढ़ लिया है, रसूल मान लिया है, तो फिर तो रास्ता वो चुनना है जो मुखलिसीन का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ नबी के गुलामों, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्योंकि इस्लाम दीन है, दीन फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं। दीन सिर्फ चंद अकायद नजरियात का नाम नहीं, दीन सिर्फ इबादात के कुछ मजमूए का नाम नहीं, दीन सिर्फ कुछ जराइम पर सजाओं के निफाज का नाम नहीं। समझा नहीं? ये मुकम्मल जाब्ता हयात है और हर जानदार के लिए एक निजाम हयात जरूरी है। तो ये वो निजाम है
जो खालिक कायनात ने दिया है, इसलिए कि वो बेहतर जानता है, वो खूब जानता है, उसने पैदा किया है, वो मिजाजों से वाकिफ है, वो फितरत से आगाह है, तबीयतों से वाकिफ है, इसलिए जो निजाम उसने अता किया वो निजाम कामिल और मुकम्मल है। इसलिए नोट करने वाले अगर नोट करना चाहें तो सूरह आल इमरान की आयत है, ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19, इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन क्या है? इस्लाम। याद रखिए ये दीन है, दीन ये फुल टाइम है, ये पैदा होने से लेकर मरने तक, महद से लहद तक, सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक, जिंदगी के हर लम्हे हर घड़ी हर सांस के लिए। पार्ट टाइम नहीं कि मस्जिद में आओ तो मुस्लिम बन जाओ, बाहर जाओ तो वो बुरका उतार के जो जी में आए करते जाओ। दीन इस्लाम के होते हुए किसी और इज्म की जरूरत है। इसके अपने अकायद नजरियात हैं, इसका अपना निजाम मुआशियात है, इसका अपना निजाम सियासत है, इसके अपने मुआमलात का निजाम है, इबादात का अपना निजाम है, अखलाकियात है। तो ये दीन है, सब का मजमूआ है। और रब ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह के यहां दीन कौन सा है? इस्लाम। और हजरत जनाब आदम अला नबी अलैहिस्सलाम से किताब ईसा रूहुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम तक सब नबियों और रसूलों का दीन दीन इस्लाम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुकम्मल सूरत में लेकर आए, तकमील फरमा दी। अब कुरान मजीद की चंद वो आयात तैयबात इस सिलसिले में मैं पेश करता हूँ। सूरत बकरा, कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 130, सूरत बकरा और आयत नंबर 130 फरमाया, देखिए वस्सा बिहा इब्राहिम बनी हो याकूब या बनीया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों से यही वसीयत फरमाई, क्या मेरे बेटो इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को चुन लिया। कौन सा दीन है? फरमाया फला तमूतुन्ना इल्ला वा अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ न मरना मगर दरा हाले कि तुम मुसलमान हो। तो इससे पता चला हजरत जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहि सलाम ने भी कौन सा दीन इख्तियार फरमाया? दीन इस्लाम, क्योंकि इन दीन इंदल्लाह इस्लाम। और फिर देखिए सूरा आल इमरान में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 84, कुल ए महबूब फरमा दीजिए आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व मा उन्ज़िला अलैना, और हम ईमान लाए उस पर जो हम पर नाज़िल किया गया, व मा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक और उनके बेटों पर नाज़िल फरमाया, जिस सब नबियों पर जो कुछ नाज़िल फरमाया सब पर हम ईमान लाए। वह माबूद या मूसा व ईसा, और जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया उस पर भी ईमान लाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया उस पर भी ईमान लाए, व
والنبیون من ربہم، اور سب نبیوں کو جو ان کی رب کی طرف سے عطا ہوا ہم سب پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کے درمیان کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہیں کیا بول جب سب پر ایمان لاتے ہیں تو ہیں کیا، ونحن له مسلمون. اب قرآن مجید کی آیات طیبات سے بات آیا ثبوت کو پہنچ گئی کہ سب نبیوں کا دین اسلام، اور اللہ کے ہاں دین اسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی دین کو کامل و مکمل اکمل صورت میں لے کر، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر دین اسلام کو مکمل فرما کر تشریف لائے تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ آپ دین کو مکمل فرما دیا، دین کو مکمل فرما دیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل فرما دیا. اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کی تکمیل فرما دی، نعمت مکمل فرما دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند فرمایا. تو دین کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب رہ گئی بات قرآن مجید کے آیات طیبات سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ سب نبیوں کا دین ہے، رب العالمین نے ہمارے لیے بطور دین جس کی تکمیل فرمائی، نعمت مکمل فرما دی اور ہمارے لیے پسند فرمایا، وہ دین کون سا دین؟ دین اسلام. اگر دین اسلام کو چھوڑ کر زندگی کے کسی حصے میں کسی اور عزم کی طرف دیکھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 83، افغیر دین اللہ یبغون، افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ سوشلزم، کیپٹلزم، دوسرے نظام، فلاں سسٹم، اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں. حالانکہ ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعاً وکرہاً، حالانکہ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اسی کے سامنے جھکا ہوا ہے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تاو نہ ہو یا کرہ ہو، رضا مندی سے ہو یا مجبوری سے ہو، ہر چیز اسی کے سامنے سر جھکا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز. اور رہ گئی بات اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو تم پسند کرتے ہو نا، تو پھر یاد رکھو بھائی لائی یور جاؤ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، سمجھ آ گئی؟ تو یہ کیا ہے؟ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. آمنا ساڈے کو لیے نا، کچھ سمجھ آئی بات؟ ہاں، آگے مزید کھول کے بیان کر دیا، توجہ ہے، قرآن سنا رہا ہوں، آپ ایسے لگتے ہیں جیسے ذوق سے ذرا بیٹھے قرآن سنا، شعر سننے میں تو ذوق آپ پیدا کرتے ہی ہیں، قرآن سننے میں بھی ذوق پیدا کرے. اب اگر دین اسلام کے سوا کسی اور عزم کو چاہا، اور دین کو پسند کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اب کھول کے بیان کر دیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. نمازیں اس کی، سیاست کسی اور کی، روزے زکات حج اس کا، معاشیات کا نظام سودی نظام کسی اور کا، فلنگ اقبال میں ہو، ہر بھی اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا.
तो कुरान मजीद की नायात ने तैयबात से बात समझ में आ गई कि ये दीन है। इस्लाम क्या है? दीन है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम नहीं। इसलिए ईमान वालों मुस्लिम कामिल बनो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब देखिए इन इस आयत का शान रूप देखिए कि जब कलिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पढ़ा है तो शरीयत किसी और की तरफ देखो तो गैरत इस्लाम उसको गवारा नहीं करता। शान नज़ूर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से आप हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा जलवा कर हुए मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमा के उस शहर को आपने मदीना बना दिया, तैयबा बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत से ये मदीना तैयबा बना, इसके दरों दीवार को चमका दिया, जर्रात को चमका दिया, उसके गुबार को शफा बना दिया। जहां से लोग गुजरे तो बीमार हो जाए, लोग मलामत करें कि गया क्यों था, जबकि शोहरत है, मशहूर है। तुम जानते हो वहां से जो गुजरे वो वबाई बीमारियों का गढ़ है, जो भी वहां से गुजरता है बीमार हो जाता है, तो गया क्यों था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कदम अंजा फरमाए, ऐसा दारु शफा बनाया ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए खाक उनके दर से, थोड़ी सी खाक उनके आस्ताने से, तो मदीना तैयबा के गुबार को भी शफा बना दिया, हुजूर ने जर्रों को चमका दिया। और ये जो चमकाना था हुजूर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का नूर, ये सिर्फ मानवी नूर नहीं था, मानवी नूर तो था ही, हिस्सी नूर भी था। एक होता है नूरे मानवी, कहता नूर है हिस्सी, नूरे मानवी इसको कहते हैं कि अकल उसको नूर करार देती है, दिखाई नहीं देता लेकिन अकल कहती है ये नूर है, इसको कहते हैं नूरे मानवी। जैसे कुरान नूर है, इस्लाम नूर है, हिदायत नूर है, सच्चाई नूर है, अदल इंसाफ नूर है, तो ये है नूरे मानवी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरे मानवी तो थे ही, नूरे हिस्सी भी थे। नूरे हिस्सी इसको कहते हैं कि आंख भी देखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कदम अंजा फरमाए तो मक्के की गलियां जगमगा उठी, हसनिया बरेलवी तड़प गए। फरमाए लोग तो चांद की बात कर दें, जब हुजूर के हुस्न की बात आती है तो चांद की बात करते, चांद से तस्वीर देना ये भी कोई इंसाफ था। चांद में तो दाग है, मेरे आका का चेहरा साफ है। चांद से तस्वीर देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद में तो दाग है, मेरे आका का चेहरा साफ है। हसन ये बरेलवी ने फरमाया एक तरफ चांद की चांदनी है और मशहूर मुहावरा है कि चार दिन की चांदनी फेरा देरी, कहते एक तरफ चांद की चांदनी है, एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत से चमकने वाले मदीना तैयबा के मट्टी के जर्रे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप तो आम है ना,
आप हैं आप, आप सब कुछ हैं, आप हैं आप, आप सब कुछ हैं और हैं और कुछ भी आप तो आप है ना। आपके कदमों से लगने वाले मदीना तैयबा की खाक के जर्रे और उनकी चमक, उनका मुवाजना और मुकाबला करते हैं हसन मियां बरेलवी चांदनी से, तो फरमाते हैं जर्रे तैयबा की तलात, मदीना तैयबा के मिट्टी के जर्रों की रोशनी, चमक दमक, जर्रे तैयबा की तलत के मुकाबल ऐ कमर, एक तरफ तेरी चांदनी है चांद, तेरी चांदनी रोशनी, और एक तरफ हुजूर के कदमों से लगने वाले मदीना तैयबा के खाक के जर्रों की चमक, जर्रे तैयबा की तलत के मुकाबल ऐ कमर, घटती पड़ती चार दिन की चांदनी अच्छी नहीं, घटती पड़ती चार दिन की चांदनी अच्छी नहीं। कौन कहता है कि जीनत खुद की अच्छी नहीं, लेकिन दिल फुरकते कुए नबी अच्छी नहीं, और उनके दर पे मौत आ जाए तो जी जाऊं हसन। मैलों फरमाते हैं कि उनके दर की भीख छोड़े सरवरी के पास। एक तरफ हम मदीना तैयबा की गली में हुजूर की बारगाह से भीख मांगते फिर रहे, मंगते बन के भीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कोई दुनिया का ताजदार आगे कहे कि तेरे सर पे ये छोड़ के मेरे साथ आ जा, तेरे सर पे हम दुनिया की बादशाह का सरवरी का ताज सजा देते, क्या करेंगे? फरमाया उनके दर की भीख छोड़ेंगे सरवरी के वास्ते, उनके दर की भीख छोड़े सरवरी के वास्ते, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं, और उनके दर पे मौत आ जाए तो जी जाऊं हसन, उनके दर पे मौत आ जाए, कहते आमीन। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने बुखारी शरीफ उठा के देखी, हमेशा दुआ मांगते थे या अल्लाह अपने राह में शहादत, अब नबी के शहर में मौत अता फरमा, उनके दर पे मौत आ जाए तो जी जाऊं हसन, उनके दर पे मौत आ जाए तो जी जाऊं हसन, उनके दर से दूर रहकर जिंदगी अच्छी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक मानवी तो था ही, हिस्सी भी था। आपने इतना मशहूर वाक्या और इतनी मशहूर हदीस हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा रात की तारीकी अंधेरे में जब सुई गुम हो गए, वो याद नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला से तशरीफ लाए, तबस्सुम फरमाया, लाइट निकली, ऐसी रोशनी हुई, गुमशुदा सुई मिल गई, तो हुजूर का नूर हिस्सी भी था, मानवी तो था ही, हिस्सी भी था, वो जो कहते ना गोया के नूर थे, गोया के नूर तो थे ही, हिस्सी नूर भी थे, आंख भी देख सकती थी, आंख को भी दिखता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा फरमाया, आलम क्या था मदीना तैयबा में, मुस्लिम शरीफ कुतुबे से आ उठा के देखे, सरकार आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो इस्तकबाल का मंजर क्या था, मदीना तैयबा के मर्द औरतें घरों की छतों पर चढ़ गए, सादर रिजाल वन्निसा फौकल बुयूत, घरों की छतों पर चढ़ गए, तफर्रकल गिलमान फि तुरक, और मदीना तैयबा के जवान, जवानों आपकी जवानी पे कुर्बान, अपने सीनों में नबी के इश्क लेके हुजूर की मोहब्बत के गुण गाओ,
जवान मदीना तैयबा के जवान रास्तों में बिखर गए। क्या सुना रहा हूं? मुस्लिम शरीफ, तफरकल गिलमान फि तुर्क, एक गली में नहीं सब गलियों में रास्तों में बिखर गए जवान, और कहते क्या थे, युनादून या मुहम्मद या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, हुजूर की अजमत के नारे लगाते थे। यूं इस्तकबाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा कर हुए। वक्त के इख्तिसार के पेश नजर सारी मंजर कशी करें, दिल चाहता है कि सीने में ठंड पड़े। बात को आगे बढ़ाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हर घर सजा हुआ था, या रसूलुल्लाह मेरे घर में जल्द फरोज है, और नीवियां दा परोना है मेरा नहीं, कोठियां ते खड़े देखदे रह गए। अल्लाह मेरी ऊंटनी को छोड़ दो, मामूर तुम मेरा अल्लाह है, जहां ये बैठेगी वहां ठहरेंगे। मस्जिद नबी शरीफ की आदबंदी भी फरमा दी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला का कायम फरमाया, कभी इंशाअल्लाह तफसील से, कि वो घर बनाई आपके लिए। यूं कहीं तालल बद्र अलैना की सदाएं थी, कहीं मासूम नन्नी बच्चियां थी दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानब इशारे करके गाती थी, हम हैं बच्चियां नजार के आली घराने की, हम हैं बच्चियां नजार के आली घराने की, बड़े घराने की बच्चियां हैं। सरकार की अजमत के गुण गाना छोटे घराने का काम नहीं है, बड़े हम हैं बच्चियां नजार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। तो हुजूर सरकार के बारे में जलवा कर हुए तो हुजूर की आमद की, हुजूर की तशरीफ आवरी की धूम मच गई। गिरदा रवा में यहूद की आबादियां भी थी, यहूद की आबादी थी वहां, तो जो मेरी नहीं वहां, यहूद के बहुत बड़े आलिम थे, इनका नाम था अब्दुल्ला बिन सलाम। तो आपके आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, तो तौरात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नातें, हुजूर की सिफतें, हुजूर की शानें पढ़ रखी थी। नबी आखिर जमान की आमद आमद का इंतजार था, तो जहन में बहुत सा खाका मौजूद था। फिर किताबें खोली, लिस्ट बनाई। अभी ये सोच रहे थे, ये लिस्ट तैयार की थी कि आखिरी नबी की ये निशानियां हैं, ये भी देखूंगा, ये भी देखूंगा, ये भी पूछूंगा, ये भी करूंगा, ये सारी लिस्ट बना के बैठे। ये तो इसलिए था कि जानूं कि ये वही है जिसकी सिफतें, जिसकी शाने, जिसकी नाते तौरात में है, वही है। लेकिन इसी असना में यहूद के बड़े बड़े सरदार आ जमा हुए, कहा तुम हमारे बड़े आलिम हो, ऐसा करो तैयारी करो। ये तो तैयारी और सिलसिले में कर रहे थे, उन्होंने कहा तैयारी करो। क्या तैयारी करो? कहा तैयारी ये करो कि उनके से जाके मुनाजरा करो, ये देखने के लिए ना जाओ कि ये वही है ये कौन है, उनके साथ जाके मुकाबला करो, मुनाजरा, इल्मी दलाइल दो, मुनाजरा करो और मुश्किल तरीन सवाल जमा करो, वो जाके पूछो सवाल करो। तो हदीस में आता है, आपने अपने खाने ज़हन में 100 मुश्किल तरीन सवाल तरतीब दिए, सौ सवाल ज़हन में लेकर लोगों ने भेजा हुजूर के साथ मुनाजरा करने के लिए। कहते जब मैं गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के जुर्मट में जलवा गया, दूर से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे अथर पे नजर पड़ी, हुजूर के रुखे अनवर पे नजर पड़ी, तो फिर क्या था, दिल ने फैसला कर लिया
दिल ने फैसला कर लिया, आए हैं तेरे दर पे वापिस ना जाएं, आए हैं तेरे दर पे तो वापिस ना जाएंगे, ये फैसला किया है तेरे देखने के बाद। वो जो ज़हन में 100 सवाल था, रूमी कहते हैं लिखाए तो सवाल है हर जवाब, तेरा देखा ही हर सवाल का जवाब है, लिखाए तो सवाल है हर जवाब, मुश्किल अस्तो हल शब्द बेचीनो काल, आपके देखते ही सारी मुश्किलें हल हो जाती, आपको देखते हर सवाल का जवाब मिल जाता है। उधर देखा, दूर से एक नजर पड़ी तो दिल ने फैसला कर लिया कि ये सच्चे, इनकी बारगाह में जाके इन्हीं का हो जाना, तेरी तक के अदामा मैं मुरीद हूं, मुलाकातें हबीब साड़ी ईद हो गई, तेरी तक के अदामा मैं मुरीद हूं। उधर दूर से जब देखा, दिल ने फैसला कर लिया, अब करीब होने लगा, जाने लगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने साथियों को, सहाबा को, अपने मानने वालों को कुछ तालीम दे रहे हैं। क्या तालीम थी? फरमाया जब मैं पहुंचा तो हुजूर फरमा रहे थे या अय्युहन नास, ऐ लोगो अफशुस सलाम, जुमले क्या बात, जो बोले तो मुंह मिचो फुल डिग दे, जो बोले तो मुंह मिचो फुल डिग दे, तेरी बात दिया क्या बात। अल्लाह फरमाते मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको जुबान है, और वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयान है जिसका बयान। फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तालीम ये फरमा रहे थे, लोगों आपस में सलाम को रवाज दो, क्या करो, सलाम किया करो। इसी पे बहस करूंगा फिर आएगा शान हुजूर कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम जब मुसलमान हो गए, हुजूर का कलमा पढ़ लिया तो ज़हन में एक ख्याल आया, वो क्या था तफसील है इंशाअल्लाह, और उस पे ये आयत नाज़िल हुई। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तालीम की थी, तर्जुमा सुनते जाइए और एक दो जुमले इसके पहले आपके फरमान पे सुनते जाइए, सवा दस पांच मिनट पे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, भी सात मिनट दो चार मिनट जिक्र भी होगा। तो जो फरमाया आप तालीम ये दे रहे थे, हुजूर की तालीम देखिए, फरमाया लोगों आप उसमें सलाम किया करो, आते मुत्ताम और लोगों को खाना खिलाया करो, लोगों को खाना खिलाया करो, और फिर फरमाया वाज़न अलरहम, और रिश्तेदारों का पास किया करो, सिला रहमी किया करो, रिश्तेदारी का पास किया करो, सिला रहमी किया करो, वसल्लु बिललैल वन्नास नियाम, और रात को उठ उठ कर नमाज पढ़ा करो जबकि लोग सोए हुए हो, मिलेगा क्या? फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलाम की नेक सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हुजूर की तालीम का पहला जुज क्या था? जब अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने सुना आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो, तो जब हम मिलते हैं क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। जवाब में कभी गौर किया आपने
इसका मफहूम क्या है, है? क्योंकि रहते ही वहां है जहां गुड मॉर्निंग है, गुड नाइट है, है? ये सब लोग कहने वाले कहते हैं तेरा दिन अच्छा, तेरी रात अच्छी, तेरी दोपहर अच्छी। हुजूर ने जो हमें सलाम दिया वो क्या, सलाम अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम्हारा दिन भी अच्छा, तुम्हारी रात भी अच्छी, तुम्हारे दुनिया भी अच्छी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी, सारी जिंदगी अच्छी, तुम पर सलामती हो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि सलाम को रवाज दो, आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो। अब दो लोगों के लिए सोचिए इसका मफहूम, अगर इसी पे आज अमल हो जाए ना, कमाल को इसका मकसद समझ कर इसी एक फरमान पे अमल कर ले तो दुनिया में अमल हो जाए। धमाके ना हूं, खुद कुछ हमले ना हूं, कैसे? और वहां दो आदमी मिल रहे हैं, एक ग्रुप दो ग्रुप, एक ग्रुप दो ग्रुप, एक आदमी दूसरा आदमी, एक वो ग्रुप एक ये ग्रुप, जब आपस में मिलते हैं क्या करो? सलाम करो। क्या मतलब? के एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं। उस वक्त शायद ज़हन में ना, आज तो समझ में आती है ये बंदा जो आ रहा है पता नहीं बाप भी ना फाड़ दे, खुद कुछ हमला अगर ना हो। जब उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तो दरअसल ये उसने इसका मफहूम ये उसने एक मुआहदा कर लिया है, एक पैक्ट कर लिया है, फिक्रमंद ना होना, मेरी तरफ से तुम्हें कोई अजियत तकलीफ नहीं पहुंचेगी क्योंकि मैं सलाम कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। तो मोमिन वो होता है जिसके जुबान पे भी दिल में भी, ऐसा तो नहीं कि मुंह से कहे अस्सलामु अलैकुम, मुंह से कहता तुम पर सलामती हो और मेरे लमे के बाद बम फाड़ के मार दे, अच्छी सलामती डाल रहा है मुनाफिक हुआ कि मुंह से, मुंह में राम राम बगल में छुरी, समझ आ गई ना? तो जब कहा ना अस्सलामु अलैकुम, तो गोया ये मुआहदा कर लिया, ये पैक्ट कर लिया, फिक्र ना करना मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची। इसलिए कि सलाम जब है अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, तो कमा कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम वो है जब सलामती डालता है तो माना ये है अपने हाथ से अपनी जुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ अजियत नहीं देगा, सलामत रखेगा। तो जब सलाम करके मुआहदा कर लिया मेरी तरफ से मेरी जुबान से मेरे हाथ से तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मेरी तरफ से सलामती है। अब दूसरे ने भी जवाब में कह दिया वालेकुम सलाम, भी मेरी तरफ से भी मुआहदा हो गया, मैं भी तुम्हें कोई अजीब तकलीफ नहीं दूंगा। तो एक सलाम ही अगर सलाम ही मफहूम इसका समझ लें और इस मकसद को जानते हुए हुजूर के इस फरमान पर अमल कर लें तो जहां सलामती हो वहां जंग नहीं होती, जहां सलामती हो जहां अमन हो वहां खुद कुछ धमाका नहीं होता। तो हुजूर ने फरमाया सलाम को रवाज दो, इसका मकसद समझो और इसको रवाज दो ताकि दुनिया में अमन कायम हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक्त जब हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम आए ये तालीम आप इरशाद फरमा रहे थे। इंशाअल्लाह अजीज की मजीद वजाहत फरसी आयत मुकद्दसा के सिलसिले में बयान इंशाअल्लाह अजीज आइंदा दरस कुरान मजीद में होगा।